दोस्तों, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड अनलॉक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लीजिए इस मोबाइल में आ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का, अगर आपके मोबाइल में भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है तो मैं उसको अभी बताऊंगा कि कैसे उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे इस मोबाइल में आ रहा है इसको मैं सॉल्व करके बताऊँगा, सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड कहाँ पर आ रहा है, आपको प्राइवेट एल्बम या फिर हिडन एल्बम में ही आता है क्योंकि वहीं पर ये पासवर्ड लगा होता है। वहाँ पर जाने के लिए आपको गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आप फोटोज़ या फिर एल्बम पर आकर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप उसमें पहुँच जाएंगे। किसी किसी मोबाइल में जैसे मान लीजिए इन्फिनिक्स में रहता है तो उसमें एक्स हाइड में जाना पड़ता है, टूल्स में जाने के बाद एक्स हाइड में जाना पड़ता है। और ये रियलमी का फ़ोन है, ये रियलमी का फ़ोन है, इसमें एल्बम में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इस एल्बम पर क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड मांगेगा, यानी कि हम प्राइवेट एल्बम या फिर प्राइवेट सेफ में जाने के लिए यहाँ से ऑप्शन आता है। या फिर बैक करके आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको प्राइवेसी मिलेगा। प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइवेट सेफ। प्राइवेट सेफ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आप अपने प्राइवेट एल्बम में जाना चाहते हैं। तो प्राइवेट एल्बम में जाने से पहले आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड मांगता है। अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम भूल गए हैं, गलत पासवर्ड डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाता है। फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या मांग रहा है, रीसेट थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए दूसरी मोबाइल होगी तो उसमें एमआई अकाउंट ऐड करके आपको रीसेट करने के लिए मांगता है, लेकिन यहाँ पर रियलमी के फ़ोन में मांग रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप में भी आ रहा है तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। मेरे केस में क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हाई स्कूल, आपको ध्यान से देखना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हाई स्कूल, ये क्वेश्चन का आंसर मुझसे क्यों मांग रहा है। जब मैंने प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड लगाया था तब मैंने यही क्वेश्चन सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे याद है कि मैं कौन से स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा था, राइट। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। आप भी, आपके में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आपने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया था जब आपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड लगाया था, तो उसका आंसर आपको पता होगा, ना कि मुझे। मैं सच बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको ही पता होगा। जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, मैंने क्या डाला था, KIC, ओनली KIC, मैंने उसमें क्या बोलते हैं, बोल्ड में नहीं किया था या फिर कैपिटल लेटर में नहीं किया था क्योंकि हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ बाद में कि मैं कैप्स में किया था या फिर केस में। तो मैंने रनिंग में ही डाल दिया KIC, मेरे स्कूल का नाम था जिसमें मैं हाई स्कूल में पढ़ा था, राइट। तो आपका भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपको पता होगा। आप ध्यान करके एक बार फिर से उस क्वेश्चन को पुट कीजिए, वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सेट प्राइवेसी पासवर्ड, मतलब कि मेरा जो प्राइवेसी पासवर्ड था वो अनलॉक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड। मैं दूसरे टाइप का पासवर्ड यूज़ करूँगा, मैं न्यूमेरिक यूज़ नहीं करूँगा, मैं पैटर्न ले लेता हूँ। पैटर्न आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से मैं एक पासवर्ड सेट करूँगा। अगेन मांगेगा, ये रहा, अब ये पासवर्ड सेट हो चुका है। तो मेरे केस में तो मुझे क्वेश्चन का आंसर पता था, आपको भी पता होना चाहिए तभी इसको आप ओपन कर पाएंगे। आपको दूसरा कोई नहीं बता सकता, कोई भी यूट्यूबर इसको ओपन करके नहीं बता सकता। वो लॉक तोड़ने वाली बात अलग है, लेकिन इस तरह से एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।